पूर्व सीएम कमलनाथ ने निवाड़ी के जेरोन गांव में नितेंद्र सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा की। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा, अधिकारियों को भी इशारों इशारों में चेतावनी दे डाली। आरोप लगाया बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र राठौर को पार्टी में शामिल होने का प्रलोभन दिया, लेकिन उनके डीएनए में कांग्रेस है। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह से 16 साल का हिसाब मांगते हुए कहा शिवराज सिंह आएंगे और तरह तरह की घोषणाएं और आश्वासन देंगे। इसी तरह उन्होंने पहले साल में 22,000 घोषणाएं की, जनता को आश्वासन दिया कांग्रेस सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा, अलग से लोकायुक्त बनाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा आपके ऊपर प्रशासन का दबाव आएगा, पुलिस का दबाव आएगा, लेकिन डरिएगा नहीं। मैं प्रशासन साफ कह देना चाहता हूं, याद रखिएगा 2 के बाद 3 भी आएगा। मैं तो शिवराज सिंह से एक ही बात कहता हूं कि आप जनता को हिसाब दे देगी अपने 16 साल का। ये जो बेरोजगार नौजवान है इनको हिसाब दे देना, आप जो ये किसान है, आज जो किसान है इनको हिसाब दे देना। शिवराज सिंह जी अब आप आएंगे तरह तरह की घोषणा करेंगे, तरह तरह की आश्वासन देंगे। 22,000 आश्वासन और घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने 15 सालों में दी है। सरकार आएगी हम एक असली लोकायुक्त बनाएंगे, ये नकली लोकायुक्त नहीं बनाएंगे। जिनकी चैन हमारे प्रदेश के प्रसिद्ध वकील, प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षक करेंगे। सरकार ये हमें जरूर